Hello everyone, welcome back to my channel. My name is PArOmitA and you are watching PArOmitA's Delight. So, आज का दिन मेरा बहुत लेजी स्टार्ट हुआ है. मैं उठी हूँ आज 9:40 पे और बिल्कुल ही संडे आता है ना तो लगता है यार कल मंडे आने वाला है, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा सो लेती हूँ मैं. इवन ब्रेकफास्ट भी मैं आज बहुत लेट कर रही हूँ. अभी बज रहे हैं 11 और मैं ब्रेकफास्ट अभी कर रही हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट है, दिस इज़ इडली फ्राई, रवा इडली फ्राई. इसे बनाना बहुत ईजी है, मैंने मेरे एक ब्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर की हुई है. एंड और कोई ऑप्शन नहीं मिला मुझे, मेरे घर पे बाकी लोगों ने ब्रेकफास्ट में खाया है सूजी का हलवा एंड रोटी. ये बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है बंगालीज के खाने में, तो उन्होंने वो खाया है. एंड मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, सो आई एम हैविंग दिस. भूख तो ख़त्म हो गई है, अभी लंच में कैसे करूँगी आई डोंट नो. आज कुछ काम भी नहीं है, बिल्कुल लेजी सा डे है, इसलिए मैं तब से सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ. तो मैं भी सोचती हूँ थोड़ा ऑफिस का काम करती हूँ, बट फिर ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, कुछ सीरीज़ देख लेंगे, मूवी देख लेंगे. सो यार लेट्स सी क्या करती हूँ. अभी तो फिलहाल ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लूँ. बाद में मैं बनाने जा रही हूँ लंच का एक डिश जिसको कि हम कहते हैं माथा दिए आलू प्याज डालना. इट मींस जो रोहू फिश का जो हेड होता है ना, जो हम फिश कल लेकर आए थे, वो फिश हमारा ना 2 to 3 days चल जाता है, 1.5 kg का फिश हो तो. बिकॉज हम 4 लोग हैं तो हम ऐसे एक एक पीस ही खाते हैं पर डे के हिसाब से, तो वैसे चल जाता है. सो आज जो और फिश का जो हेड होता है ना, उसका 2 parts होता है. तो 1 part से कल दाल बना था और 1 part से आज बनेगा वही डिश जो मैं आज बनाने वाली हूँ. सो वो रेसिपी मैंने ससुराल में आके सीखा है, दे यूज टू मेक इट. हम जो फिश हेड होता है उससे हम एक वो दाल बनाते हैं, इसके अलावा एक हम लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं विद दैट फिश हेड, जिसकी रेसिपी मैंने आपको शो की थी. एंड इसके अलावा हम उससे बनाते हैं मूढ़ी घोंटो, विच इज़ अ डिफरेंट रेसिपी जो मैं आपको कभी और शेयर करूँगी, जो यहाँ पर नहीं बनता है. जो मेरे घर पर बनता है मेरे ससुराल में, वो है फ़िश हेड से मतलब आलू प्याज की एक सब्जी टाइप बनती है जिसको हम कहते हैं आलू प्याज डालना, और उसमें हम फ़िश हेड को वैसी फ्राई कर लेते हैं एंड देन उसको क्रश करके डालते हैं. तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ रेसिपी. जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं और जो नहीं जानते हैं ये रेसिपी, प्लीज़ मस्ट ट्राई इट. एंड ये मैं वैसे सबके लिए बोलती हूँ, बट द थिंग इज़ आपका टेस्ट, बाकी लोगों का टेस्ट जो होता है वो बंगालीज के टेस्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है. तो मैं आपको हर बार ट्राई करने के लिए नहीं बोलूँगी. इफ़ यू फील लाइक टू ट्राई इट देन डू ट्राई इट, इट्स वेरी वेरी यमी. इस रेसिपी के लिए हम सबसे पहले लेंगे मस्टर्ड ऑयल. ये मस्टर्ड ऑयल मेरे पास पहले से बचा हुआ था वो, और मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है. देन हम डालेंगे इसमें क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा. इसके बाद हम इसमें डालेंगे बे लीफ, और किसी गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ मैंने प्याज को बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है, इसे रफली चॉप ही करना है बिकॉज़ जो ग्रेवी में प्याज होता है वो पता चलता है, सो इट्स गुड. और इसको अच्छा सा ब्राउन करके फ्राई कर लेना है. यहाँ पे हम बनाएंगे एक मसाले का मिक्स. यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, और सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी टर्मरिक पाउडर और जीरा धनिया पाउडर, एंड देन मैं इसमें डाल दूँगी रेड चिली पाउडर. इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. आप चाहे तो इस मसाले के मिक्सर में सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी सब्जी में डायरेक्ट सॉल्ट ऐड कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया था. सो अब ये बॉयल पोटैटोज़ हैं, इनको मैंने ऐसे डाइस डाइस करके रखा है, जस्ट मिक्स इट बिकॉज प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं. एंड बस अब हम इसमें जो मसाले का घोल हमने रेडी किया था ये डाल देंगे, मिक्स इट वेल. थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं,
एंड अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनती है। सोया एंड यहाँ मैं एक टीस्पून के करीब चीनी डाल रही हूँ इसमें, जो इसके टेस्ट को एनहांस करेगा। एंड ये फ़िश हेड है जो मैंने नमक और हल्दी लगा के फ्राई कर लिया था, थोड़ा अच्छे से फ्राई किया था। इसे मैं ब्रेक करके इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो पहले से भी ब्रेक कर सकते हैं एंड देन आप ग्रेवी में डायरेक्ट मिला सकते हैं। उसके बाद बस एक मिनट के लिए हमें पकाना होता है। आप ढककर भी पका सकते हैं लो फ्लेम पर, या फिर आप थोड़ा मतलब कलछी से हिला देंगे एंड देन इट्स गुड टू गो। अच्छा लग रहा है नहा के, गर्मियों में तो बस नहाने के टाइम का ही वेट रहता है, सारा काम फटाफट कर लो, इन दोनों के बाद कब नहाने को मिलेगा। सो फीलिंग सो रिलैक्स। और अभी बज रहे हैं 1:25 और अब हम करेंगे हमारा लंच। एवरीथिंग हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड या सारा सब कुछ, सब्जी एंड मछली वगैरह जो था वो तो मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने बन के बना लिया है, बट मेरे घर में राइस बनाते हैं मेरे फादर इन लॉ, बिकॉज़ वो राइस बहुत अच्छा बनाते हैं। और राइस अगर थोड़ा सा भी गल गया ना तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो एकदम परफेक्टली टाइम देख कर राइस बनाते हैं। सो जो राइस वो बनाते हैं ना, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। सो राइस भी उन्होंने बना दिया है और बस अभी हम लंच करने बैठेंगे, बिकॉज लंच में हमें फटाफट कंप्लीट करना है, बिकॉज आज मैच है। तो उसकी वजह से किस तरह से वो लोग लंच करने वाले आई डोंट नो, फटाफट लंच करके उठ जाएंगे एंड देन सुबह से चालू है, सुबह से भी नहीं कल से ही चालू है। मतलब मेरे हस्बैंड का पापा कल मैच है, कल मैच है, मतलब भाई मैच है तो क्या है, इतनी बार बोल चुके हैं और तब से भी चालू है, वो मैच स्टार्ट होने वाला है, मैच स्टार्ट होने वाला है। सो फटाफट हम लंच करके उसके बाद ये लोग तो मैच देखने वाले हैं, मुझे तो रेटिंग का काम है, मैं वो करूँगी। अभी लंच के बाद मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ क्या करूँ, नींद आ नहीं रही है, एडिटिंग तो करना ही है, खैर वो तो मुझे ऐसे भी बीच बीच में टाइम मिलता है तो मैं करती रहती हूँ। बाकी मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, थोड़ा खाना ज़्यादा हो गया है, वीकेंड में तो हो ही जाता है, सोच रही हूँ थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ देन उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी। अभी मैं उठ गई हूँ, मैं 5:00 ही उठ गई थी और अभी हम खाने वाले हैं हमारा बहुत यमी यमी स्नैक, यानी कि समोसा। कभी कभी मन करता है, बहुत दिन बाद मन करता है कि यार समोसा खाते हैं, और यहाँ हैदराबाद में हमारे यूपी स्टाइल का समोसा बिल्कुल भी नहीं मिलता, बट बहुत मुश्किल से आज मेरे घर पे है समोसा। सो यू गाइस हैव टू गेस कि ये समोसा मैंने बाहर से मंगवाया है या ये समोसा घर पर बना है। सो या आँखों में पानी दिख रहा होगा। मैं जस्ट अभी ऑनियंस चॉप करके आई हूँ, बिकॉज अभी मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। मेरे हस्बैंड को अचानक से चिकन खाने का मन किया, बिकॉज उसे चिकन ही खाना पसंद है, फिश वगैरह उसे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो दो दिन फिश बन गया तो ही वॉज लाइक यार मेरा चिकन कब बनेगा। सो आज चिकन लेके आए हैं वो लोग, तो फिर मैं बनाने जा रही हूँ और बिल्कुल टाइम पे हम खा लेंगे 9:00 से पहले पहले ही, बिकॉज़ हम जब इस तरह की चीज़ें रात में खाते हैं तो थोड़ा पहले खा लेते हैं। सभी बनाने जा रही हूँ चिकन, अभी बज रहे हैं 8:20। सो चिकन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 to 20 minutes, बट आज मैं चिकन को थोड़ा एक डिफरेंट ट्विस्ट के साथ बनाने वाली हूँ। सो मैं आपको फुल प्रॉपर रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा एंड मैं सब कुछ उसमें बताती रहूंगी कैसे क्या हो रहा है एंड एक डिफरेंट तरीके से, एक बहुत ही डिलीशियस वे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कढ़ाई में हम मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लेंगे एंड देन ये पोटैटोज़ हैं, ये
हम बंगालीज बिना पोटैटोज के चिकन तो खा ही नहीं सकते हैं। एंड ये मैंने चिकन को पहले मैरिनेट करके रखा था। मैरिनेशन का रेसिपी बहुत बार मैंने मतलब दिया हुआ है। एंड मैं इस चिकन में ये ट्विस्ट ला रही हूँ कि मैं चिकन के पीसेस जो मैरिनेटेड है उनको फ्राई कर रही हूँ, बट उसका मैरिनेशन हटा के, लाइक मैरिनेशन मैं इसमें अभी नहीं डालूंगी, जस्ट चिकन के पीसेस में से उठा उठा के मैं ऑयल में डाल रही हूँ। एंड जस्ट फ्राई इट फॉर 5 मिनट्स। लाइक दिस। एंड ये हो गया है। बस थोड़ा सा ये जैसे ही ड्राई ड्राई सा हो जाएगा हमें ये सारे चिकन पीसेस निकाल लेने हैं। एंड उसी ऑयल में मैंने ये डाल दिया है प्याज, जिसे आप रफली चॉप कर लीजिए, कैसा भी चॉप कर लीजिए, बिकॉज अगर बहुत देर तक पकाएंगे तो ग्रेवी तो वैसे भी बहुत मशी सा बन ही जाता है। सो आप चिकन के लिए कैसा भी प्याज कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है इसमें। एंड ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और ये जो बचा हुआ मैरिनेशन है वो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसेस थोड़ा सा कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ये मैं किचन प्रॉमिस का मीट मसाला डाल रही हूँ। बाकी सारे स्पाइसेस ऑलरेडी मेरे मैरिनेशन में था तो मैंने नहीं डाला है, वही बेसिक स्पाइसेस। और मैं पोटैटो अभी डाल दूंगी बिकॉज पोटैटो बॉयल नहीं है तो इन्हें बॉयल होने में टाइम लगेगा। सो साथ साथ में कुक करते रहेंगे तो पोटैटोज भी कुक हो जाएंगे। एंड मैं पानी डाल डाल के और ढक ढक के इसको पका रही थी। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने ये सारे चिकन के पीसेस जो फ्राई किए थे वो डाल दिया उसमें, और इसे मैं ढक ढक के पका रही हूँ। इसे पकाने में मुझे लगभग 20 मिनट का समय लग गया। एंड हियर इट इज। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. डिनर हो गया हमारा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस न्यू चिकन का रेसिपी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे। सो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।